दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस खूबसूरत से पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, यह पौधा है स्नेक प्लांट। इसे सेंसिविरिया भी कहा जाता है। इसे हम गमले में जब घना हो जाए तो इसे हम अलग अलग किस तरह से करेंगे, इसे हम रिपोर्ट कैसे करेंगे या इसे हम प्रोपोगेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप सामने जो देख रहे हैं, दो तरह की वैरायटी के स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं। आप देखेंगे यह जो लंबे लंबे से पत्ते इसके दिखाई देते हैं, बिल्कुल इसी के कारण इसका नाम स्नेक प्लांट, सांप की तरह दिखाई देता है करके रखा गया है। आप नीचे में देखेंगे यह बिल्कुल घना हो चुका है, साइड में इसके बहुत सारे और पौधे तैयार हो गए हैं। और ये जो है इसमें भी आप देख रहे हैं साइड से, ये देखिए ये पब्स बन रहे हैं। और इसे हमें अलग करके अलग गमले में दे देंगे तो यह गमले में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होने का इसे मौका मिलेगा और बहुत ही खूबसूरती को बढ़ाने वाला पौधा होता है। क्योंकि यह पौधा घर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह पौधा ऑक्सीजन देता है, घर की प्रदूषित हवा को खत्म करता है और इसे भाग्यशाली पौधा भी माना जाता है। घर में शांति बनाए रखता है और बहुत ही अनुकूल वातावरण बना के रखता है घर का, और इसलिए इस पौधे को घरों में लगाना बहुत पसंद किया जाता है। जैसे इनडोर में लगा सकते हैं और यह एक ऐसा पौधा है जो बिल्कुल अंधेरे में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। बाकी अन्य पौधों को तेज धूप की जरूरत पड़ती है, अगर इसे हम अंधेरे में भी रख देंगे तो यह सर्वाइव कर जाता है, तो इसलिए शायद इसका नाम स्नेक प्लांट रखा गया है। तो आइए हम इस पौधे को अब हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट कैसे करना है, इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी में आपको 1 से 2 दिन तक पानी बहुत कम देना है, पानी अधिक नहीं देना है, नहीं तो वो मिट्टी उसकी जड़ों को अच्छी तरह से पकड़ लेगी, तो इसलिए आपको बहुत कम पानी देना है। इस पौधे की जो मिट्टी होती है, जब भी आप मिट्टी तैयार करेंगे, अन्य सकुलेंट जो भी पौधे होते हैं उनकी जो मिट्टी है बिल्कुल उसी तरह से इसमें तैयार करना है। इसकी मिट्टी चिकनी और चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि यह पौधा पानी को बहुत अधिक पसंद नहीं करता है और इसके पानी अधिक रह जाने से जड़ों के आसपास में तो यह गलने लग जाता है। हमने ये 3 गमले तैयार किए हैं, इसके प्रॉपर ड्रेनेज होल हमने चेक कर लिए हैं और इन 3 गमलों में हमने जो मिट्टी भरी हुई है बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी हमने तैयार की है, वही भरी हुई है। बहुत सारे वीडियो में हमने मिट्टी के बारे में जानकारी दी है। अब आप जिस पौधे को निकालना है उसे हल्का सा इस तरह से लेटा दीजिए, दोनों पैरों के सहारे से इस तरह से अगर धीरे से खींचेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ में आपका पूरा का पूरा पौधा बाहर आ गया है गमले से। मिट्टी सहित, जड़ों सहित बिल्कुल पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ है और यह सारे पौधे देखिए कितना अधिक रूट बॉन्ड हो चुका है। इसे हम अलग अलग गमलों में इसे कर देंगे और एक गमला हमारा ये भी खाली हो चुका है, 3 गमले हमारे पहले से हमने मिट्टी के साथ तैयार किए हुए हैं। अब ये देखिए हमारे ये 4 पौधे हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। चारों पौधों को हम अलग अलग गमले में सेट करेंगे और उसे मिट्टी के सहारे दबा देंगे। अगर आपको मिट्टी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आपको बता देते हैं। इस पौधे के लिए चिकनी और चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल नहीं रखनी है, इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं, इसलिए इसमें हमने लगभग 30% गार्डन सॉइल लिया है, 30% ही वर्मी कंपोस्ट और 30% ही कोकोपीट लिया है। आप राइस हस्क भी ले सकते हैं या 10% रेत लिया है, थोड़े बहुत अगर ईंटे के टुकड़े हों तो वह भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो ईंट के टुकड़े होते हैं वो एक्सेस पानी को सोख लेते हैं और जड़ों को नुकसान होने से बचा लेते हैं। तो आप इस तरह से मिट्टी तैयार करके गमले के बीचों बीच में सारे पौधों को एक एक करके सेट कर सकते हैं और उसमें चारों तरफ से मिट्टी लगाकर हल्के हाथों से अच्छी तरह से दबाकर सेट कर दीजिए। 3 गमलों को जब हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, उनमें पौधे अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, इसकी छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं उसे आप कैंची के सहारे काट सकते हैं। कैंची को आप सैनिटाइज कर लीजिए और इसकी जड़ों को काटने का काम कर सकते हैं। तो इस तरह के पत्तों से जो बचे हुए टूट जाते हैं उससे आप इसे नए पौधे प्रोपोगेट हो जाते हैं। इसकी जड़ों को हमने काट के अलग कर दिया है और ये आप पौधे देख रहे हैं, हमने 4 गमलों में पौधों को सेट कर दिया है। अब इसमें स्प्रे, हमारे स्प्रेयर की सहायता से इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा सा पहले दिन अब थोड़ा सा ठीक ठाक पानी ही डाल दीजिए, जड़ों के पास से गमले के नीचे से ड्रेन होल से इसका पानी निकल जाए
उसके बाद में इसे पानी बहुत कम देना है, सप्ताह में एक बार ही पानी देना है, पानी इसे बिल्कुल बहुत अधिक पसंद नहीं होता है, और इसे सूर्य की रोशनी भी बहुत अधिक पसंद नहीं है। आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे या इंडोर में रखेंगे तो भी यह पौधा बिल्कुल आसानी से चल जाता है। अब बात करते हैं इसे प्रोपोगेट करने की, तो जो इसके जो पत्ते होते हैं लंबे मैच्योर जो पत्ते दिखाई देते हैं आपको, इसमें जो दिखाई देंगे लंबे लंबे से पत्ते हैं, मैच्योर पत्ते हैं, आप उन पत्तों को देखिए, ये सामने में जो दिखाई दे रहा है पत्ता, इसे आप कट करके इस तरह से बीच बीच से कट कर दीजिए, और उसे अगर मिट्टी में गड़ा देंगे या रेत में गड़ा देंगे तो इस तरह से कुछ ही दिनों में उसमें जड़ें आ जाती हैं, बहुत ही आसानी के साथ प्रोपोगेट हो जाता है। इसमें अगर इसे अगर आप पानी में रखेंगे तो भी इस तरह से इसमें जड़ें आ जाती हैं, तो आप इसे बहुत ही आसानी के साथ प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप पूरी वीडियो देखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।